भारत के लिए सबसे तेज T20 शतक लगाने वाले पांच खतरनाक बल्लेबाज, चलिए बताते हैं वह कौन कौन से बल्लेबाज हैं। लिस्ट के पांचवें नंबर पर लोकेश राहुल का नाम शामिल है। उन्होंने साल 2016 में वेस्टइंडीज के खिलाफ शतक फोंका था। केएल राहुल 51 गेंदों में शानदार पारी खेलते हुए 12 चौके 5 छक्के की मदद से 110 रनों की नाबाद पारी खेली। वही लिस्ट के चौथे नंबर पर युवा सलामी बल्लेबाज अभिषेक शर्मा का नाम आता है। उन्होंने साल 2024 में जिम्बाब्वे के खिलाफ शतकीय पारी खेली थी। जिम्बाब्वे के खिलाफ दूसरे T20 मैच में अभिषेक शर्मा ने मात्र 46 गेंदों में शतक ठोका। अभिषेक ने अपनी इस पारी में 7 चौके 8 गगनचुंबी छक्के भी जड़े। साथ ही अभिषेक शर्मा ने लगातार 3 छक्के लगाते हुए अपना शतक पूरा किया। सूर्य कुमार यादव ने साल 2023 में श्रीलंका के खिलाफ शतक ठोका। भारत की तरफ से सबसे तेज शतक लगाने वाले बल्लेबाजों की सूची में T20 के मौजूदा कप्तान सूर्य कुमार यादव तीसरे नंबर पर है। सूर्या ने 51 गेंदों में 11 चौके 7 छक्के की मदद से 111 रन ठोक डाले। 12 अक्टूबर को हुए भारत बनाम बांग्लादेश के मध्य तीसरे और आखिरी T20 मैच में संजू सैमसंग ने कमाल की पारी खेल डाली। संजू सैमसंग ने इस मैच में 47 गेंदों में 111 रन भी लगाए। 40 गेंदों में शतक जड़ने के बाद संजू सैमसंग भारत की तरफ से सबसे तेज शतक जड़ने वाले बल्लेबाजों की सूची में दूसरे नंबर पर आ गए। साथ ही संजू ने ऋषभ हुसैन के एक ओवरों में लगातार 5 छक्के ठोके। भारत की तरफ से सबसे तेज T20 अंतरराष्ट्रीय शतक जड़ने का रिकॉर्ड वर्ल्ड कप विजेता रोहित शर्मा के नाम है। दोस्तों, इस रिकॉर्ड को कोई बल्लेबाज तोड़ पाएगा नहीं, कमेंट करके जरूर बताएं। उन्होंने श्रीलंका के खिलाफ साल 2017 में महज 35 गेंदों में शतक जड़ दिया। रोहित शर्मा ने 43 गेंदों में 12 चौके 10 छक्के की मदद से 118 रनों की तूफानी पारी खेल डाली। दोस्तों, वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करिएगा।